नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज 1 अक्टूबर, एक तरफ आज का दिन एक तारीख एक घंटा सफाई अभियान के लिए रखा गया था, वो मुहिम चलाई जा रही थी। दूसरी तरफ 1 अक्टूबर विश्व वृद्ध दिवस भी है, वरिष्ठ नागरिक दिवस भी आज है, और इन दोनों ही कार्यक्रम के अवसर पर वसई के माणिकपुर पुलिस स्टेशन में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। बात करें पहले 1 तारीख 1 घंटा अभियान, सफाई अभियान जो था उसकी, तो आज सुबह 10 से 11 के बीच में माणिकपुर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत माणिकपुर पुलिस के पूरे स्टाफ ने वसई की एसपी मैडम और माणिकपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई उनके नेतृत्व में सभी ने मिलकर वहां साफ सफाई की, जिसमें महानगर पालिका ने योगदान दिया। और भारत सरकार के 1 तारीख 1 घंटा मुहिम में अपना योगदान दिया। इस कार्यक्रम के बाद माणिकपुर पुलिस स्टेशन ने 11:30 के लगभग एक दूसरा कार्यक्रम, विश्व वृद्ध दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस, वो मनाया और आसपास के क्षेत्र के वरिष्ठ नागरिकों को बुलाया, उनका पुष्पगुच्छ देकर सम्मान किया, साथ ही साथ उनको कई चीजों के बारे में अवेयरनेस किया, उनके साथ जो घटनाएं घटती है उनको किस तरह से मदद लेनी चाहिए, पुलिस के पास वो किस तरह से अपनी मदद ले सकते हैं, इस तरह की चीजों को लेकर, इस तरह की बातों से उनको जागरूक किया वरिष्ठ नागरिक को, और वरिष्ठ नागरिक के लिए चलाई जा रही हेल्पलाइन 112 की जानकारी दी। तो ये माणिकपुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत 2 कार्यक्रम आज आयोजित किए गए। आप तस्वीरें और वीडियो देख रहे हैं, ये उन्हीं 2 कार्यक्रम की है। देखिए इस कार्यक्रम से जुड़ी ये पूरी कुछ तस्वीरें और वीडियो आगे वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। विभाग स्वतंत्रपण है, इथे आपल्याकडे फक्त पशुसंवर्धन आणि कोंडवाडे असा एक छोटा विभाग आहे, त्यासाठी फार काही डॉक्टर वगैरे व्यवस्था पालिकेमध्ये नाही आहे, पण जिल्हा परिषदेमध्ये स्वतंत्र डॉक्टर असतात, त्यांचे डिस्पेन्सरीज असतात, त्यांच्यासोबत मिळून आपल्याला त्यांचं निर्मितीकरण काही करता येईल का, किंवा त्याच्यासाठी काही वेगळं धोरण करता येईल का, याच्यावरती चर्चा चालू आहे। तिथपर्यंत आपण त्यांच्या निर्मितीकरणावरती वगैरे प्रयत्न करू शकतो। तुम्हाला सगळ्यांना या ठिकाणी भेटून खूप आनंद वाटला। तुमच्या संघाच्या बैठकीमध्ये नक्की मला एक इशू मी येईल, मला अगोदर कळवेल, आणि ज्येष्ठ नागरिक म्हणजे अनुभवांच्या खाणी आहेत, नक्कीच मला यायला आवडेल। माननीय आयुक्त साहेबांनी पावसाळ्यामध्ये एक ड्राईव्ह घेतलेला आहे, जे स्वतः पूर्ण वॉर्डमध्ये फिरलेले आहेत, आणि त्याच्यामध्ये जे जे जास्त खराब झालेले रस्ते आहेत ते प्रायोरिटीने पालिकेच्या फंडामधनं त्याच्या दुरुस्ती किंवा तो रस्ता पूर्णपणे नवीन घेण्यामागची तजवीज ठेवण्यात आलेली आहे। तर कृपया आपण जर आपल्या उपअभियंत्याच्या माध्यमातून माहिती घेतली की बाबा कुठला रोड कुठला घेण्यात आला आहे तर कुठला नाही घेण्यात आला आहे, तुम्ही जर सहाय्यक आयुक्तांकडे एक निवेदन दिलं की बाबा हा हा रोड प्रायोरिटीने घ्या, तो घेण्याची मागणी आपण नक्की त्याच्यात करू। मॅडम, त्याचं कसं का शेड्यूल आहे का तुमचं? तुम्ही म्हणताय ना काही बांधलेले असं तर तुमचा प्रॉब्लेम नाही आहे, देवाच्या मंदिरामध्ये घाय बांधलेले तिथे जाऊन त्याला गेलं तो प्रॉब्लेम नाही आहे, रस्त्यामध्ये 4-5 गाई फिरत असतात, त्या कोणाच्या गाई पण मोकट जण रस्त्यामध्ये जवळजवळ बांधलेले त्यांना ते लोक तिथे काही प्रॉब्लेम नाही। थोडं मागे घ्या, रस्ता गाईचं काय करायचं, थोडं मागे खुर्ची तुम्ही मागे घ्या, बस 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 बस। ऑन बिहाफ ऑफ अवर ज्येष्ठ नागरिक संघ की ओर से माणिकपुर पुलिस स्टेशन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, आभारी हूँ कि आज हम लोग को मिलने का अच्छा मौका दिया और सब समस्या का समाधान भी हुआ, बातचीत भी हुआ, और ऐसे बड़ी मीटिंग भी होने वाली है, इसके लिए भी साथ साथ में हमारे फॉर्म की मांग किया है कि हमारे रूप में महानगर पालिका के बड़े बड़े साहब आए, उन्होंने आके हम लोग को प्रोत्साहित किया और ज्येष्ठ नागरिक का आशीर्वाद दिया, इसलिए रोजगार कामया हो जाए सबके लिए। सर, एक बात बताना चाहता हूँ कि ज्येष्ठ नागरिक का जो आशीर्वाद है ना, सबसे ज़्यादा शक्ति है। हमारे इधर ऋषिकेश करके एक साहब आए थे, अभी आने वाले विचार,
तो मैंने ज्येष्ठ नागरिक में वही बताया था क्योंकि ज्येष्ठ नागरिक लोगों को इधर चार धाम यात्रा की जाने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ को मिलेगा नहीं, आपका सब प्रॉब्लम होगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब लोग आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और महानगरपालिका की ओर से भी बहुत अच्छा साथ सहयोग हो रहा है। और देखो एक बात बताना चाहता हूँ कि महानगरपालिका जिलों के पुलिस स्टेशन है उन लोग का स्टाफ लिमिटेड है, हम लोग का स्टाफ अनलिमिटेड है, तो अगर हम हो सके तो हमारे तरफ से जितना वो भी जरूरी है, हम लोग खाली प्लेन नहीं कर सकते, हमारी भी फर्ज है। तो हम आशा रखते हैं कि हमारी फर्ज बजाएंगे, हमारा सब जो ज्येष्ठ नागरिक है उसके बच्चे लोग का उसका जो जनरेशन सबको समझाएंगे, और ऐसा करके बहुत बहुत धन्यवाद सब लोग का, आभार आभार। जय हिंद जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सेफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।